नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आने वाले दो दिनों का समय, जी हाँ दोस्तों, आने वाले 48 घंटों का समय आप सभी के जीवन काल में एक बड़ी अनहोनी घटना होने जा रहा है। बस हम आप सभी को बता दें कि आपको घबराना बिल्कुल भी नहीं है, बस आपको अंत तक वीडियो को ध्यान से देखना है। बहुत ही सरल तरीके से आप इनसे उभर जाएंगे। और दोस्तों, हम आप सभी को बता दें कि आज के इस वीडियो में हम आप सभी को जो बात बताने वाले हैं, इन बातों को आप बिल्कुल ही ध्यान से सुनिएगा। इनसे आप सभी का जीवन अगले 48 घंटों में उज्जवल हो जाएगा। जो भी आपके सपने हैं, जो भी आपकी इच्छाएं हैं, जो भी आपकी मनोकामनाएं हैं, वे सभी मनोकामनाएं अगर पूरी न हो जाए तो फिर कहना। बस शर्त इतना है कि वीडियो को लाइक करके आप इन्हें अंत तक ध्यान से देखिएगा। जी हाँ दोस्तों, हम आप सभी को बता दें कि हमने पिछले समय भी वीडियो बनाए हैं और बहुत सारे जातकों को इनसे लाभ भी हुआ है। जिन्होंने वीडियो को अंत तक देखा है, उनको अपने जीवनकाल में उतनी सफलताएं मिली है जितना उन्होंने चाहा है। जी दोस्तों, और अब आपकी भी बारी है, आप इन्हें ध्यान से देखिएगा कि दोस्तों अगले 48 घंटों के अंदर जो ग्रहों की स्थिति है आप सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। जी दोस्तों, यशमी ग्रह आपको बहुत ही अच्छा मौका दे रहे हैं, आपकी बारी आ चुकी है। बस आपको क्या करना है, अपने जीवनकाल के महत्वपूर्ण समय में से थोड़ा समय निकालकर आज के इस वीडियो को देना है और इन्हें ध्यान से देखना है। आज के इस वीडियो में हम आपको संपूर्ण जानकारियां देने वाले हैं कि आने वाले दो दिनों के अंदर जो ग्रहों की स्थिति बन रही है, इनमें आपको कौन कौन सी बड़ी खुशखबरी मिलने वाली है, कौन कौन से क्षेत्रों में आपको लाभ की प्राप्ति होगी, और साथ ही साथ दोस्तों कौन सी बातों का ध्यान रखना यश में आपके लिए बेहद ही आवश्यक होंगे। जी दोस्तों, ग्रह गोचर के आधार पर आज के इस वीडियो का निर्माण किया गया है। जो भी जातक इन्हें अंत तक देखेगा वह सर्वगुण संपन्न होगा। जीवन काल में उन्हें वह खुशियाँ मिलेगी जो अगले 48 घंटों में आप सभी के किस्मत में है, जो ईश्वर आप सभी को देना चाहता है। दोस्तों, हम आप सभी को बता दें कि अगले 48 घंटों का समय आप सभी के ऊपर दो बड़े देवी देवता प्रसन्न हो चुके हैं। और दोस्तों, अगले 48 घंटों के अंदर आपको इनका भी आशीर्वाद मिलने वाले हैं। जी दोस्तों, तो आइए दोस्तों वीडियो को प्रारंभ करते हैं। सर्वप्रथम दोस्तों, जो भी माता लक्ष्मी के भगवान भोलेनाथ के सच्चे प्रिय भक्त हैं, दोस्तों वीडियो को एक प्यारा सा लाइक जरूर ही कीजिएगा। और दोस्तों, कमेंट बॉक्स में सच्चे मन सच्चे हृदय भाव से जय भोलेनाथ जय माँ लक्ष्मी जरूर लिखिएगा। दोस्तों, धन की देवी माता लक्ष्मी की असीम कृपा दृष्टि आप सभी के जीवन काल में होंगे और भगवान भोलेनाथ के आशीर्वाद से आपके सारे कष्ट सारी समस्याएँ संकट सभी समाप्त हो जाएंगे। जी हाँ दोस्तों, तो जरूर ही लिखिएगा। तो आइए दोस्तों बात करते हैं। दोस्तों, शुरुआत करते हैं आज के एक बहुत ही महत्वपूर्ण ज्ञान से, जो कि दोस्तों आप सभी के जीवन काल में एक मूल मंत्र का काम करेगा। जो भी जातक आज के इस ज्ञान को ध्यान से सुन लेगा, उनके जीवन काल में आपको एक नई ऊर्जा की प्राप्ति होगी, आपको एक नए ही ज्ञान का एहसास होगा। जी हाँ दोस्तों, एक ऋषि लोटा रोज मानते थे। एक शिष्य ने उनसे कहा कि गुरुवर, लोटे को रोज क्यों मांझने की जरूरत है, सप्ताह में एक बार भी तो मांझ दिया जा सकता है। ऋषि ने कहा, बात तो सही है, और फिर उसके बाद उन्होंने उसे नहीं मांझा। उस लोटे की चमक फीकी पड़ने लगी। सप्ताह बाद ऋषि ने शिष्य से कहा कि लोटे को साफ कर दो। शिष्य लोटे को काफ़ी देर तक मांझने के बाद भी पहले वाली चमक नहीं ला सका। तब और काफ़ी देर मांझा, तब भी चमक नहीं आई। ऋषि ने कहा, लोटे से सीखो, जब तक इसे रोज माना जाता रहा तब यह रोज चमकता रहा। इसी तरह भक्त होता है, यदि वह रोज सुमिरन न करे तो सांसारिक विचारों से अपनी चमक खो देता है। इसलिए भक्त को जरूरत है कि वह अपने प्रभु के चरणों में रोज सुमिरन करे, उनको रोज याद करे, उनको और रोज ही स्मरण कर उनकी पूजा पाठ करें। इनसे ईश्वर उनसे हमेशा प्रसन्न रहते हैं, उनके साथ जुड़े रहते हैं। जी हाँ दोस्तों, तो दोस्तों आज का यह ज्ञान अगर आपको समझ में आई हो, इनसे कुछ सीखने को मिला हो, तो दोस्तों वीडियो को एक प्यारा सा लाइक जरूर कीजिएगा। और दोस्तों, इनके लिए कमेंट बॉक्स में लिख दें जय श्री कृष्णा राधे राधे। तो आए दोस्तों से के साथ बात करते कि आने वाले 48 घंटों के अंदर आप सभी के जीवन काल में कौन कौन से बड़े बदलाव होने वाले हैं, यशमय ग्रहों की कौन सी स्थिति बनने वाली है। दोस्तों, सबसे पहले आप सभी को बता दें कि यशमय
ग्रहों की स्थिति में धन योग का निर्माण होने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, आप सभी को बता दें कि अश्व में भगवान शनिदेव का शश नाम का शुभ योग का निर्माण आप सभी के राशि पर होने वाले हैं। इसके उपरांत दोस्तों आयुष्मान नाम का भी शुभ योग का निर्माण होगा। जी हाँ दोस्तों, इसके साथ साथ शिव नाम का भी महाशुभ योग का निर्माण एक साथ आप सभी की राशि में होने वाले हैं, जिनके कारण दोस्तों त्रिग्रही योग का भी निर्माण आप सभी के जीवन काल में देखने को मिलेंगे। जी हाँ दोस्तों, एक साथ यश में दो बड़े देवता का आशीर्वाद आप सभी को प्राप्त होने वाले हैं, यानी कि दोस्तों भगवान भोलेनाथ और माँ लक्ष्मी की असीम कृपा देश भी यश में आपकी राशि वालों पर रहने वाला है। और दोस्तों अगले 48 घंटों का यश में आपके लिए कोई मामूली समय नहीं रहेगा। यश में आप सभी का किस्मत चमकने वाला समय होगा। यश में जो घरों की स्थिति बनी है, अगर आप इनमें कार्य करेंगे, अगर आप इनकी बातों को ध्यान में रखेंगे, तो दोस्तों हम आप सभी को बता दें कि जो भी आपकी इच्छाएं हैं, जो भी आपकी तमन्नाएं हैं, वे सारे पूरे होने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, हम आप सभी को बता दें कि दोस्तों अगले 48 घंटों के अंदर आप सभी के जीवनकाल में सबसे बड़ी खुशखबरी मिलेगी धन को लेकर। जी हाँ दोस्तों, आप सभी को बता दें कि पिछले कई समय से आप सभी के जीवनकाल में धन से जुड़ी समस्याएँ चल रही है, पेशों की समस्याएँ बहुत ही ज़्यादा बढ़ गई है। जी हाँ दोस्तों, हम आप सभी को बता दें कि आपने अपने जीवनकाल में कभी भी बुराई का रास्ता नहीं अपनाया है, जहाँ तक हुआ है आपने हमेशा एक नंबर का ही कार्य किया है। और दोस्तों आपने देखे होंगे कि आपके आस पड़ोस के व्यक्ति, बहुत सारे ऐसे व्यक्ति आपके सगे संबंधी रिश्तेदारों में ही है, जिन्होंने गलत रास्ते को अपनाकर अपने जीवनकाल में काफ़ी सारे पैसे इकट्ठे किए हैं और वो अपने जीवनकाल में अच्छे जीवन को जी रहे हैं। लेकिन दोस्तों हम आप सभी को बता दें कि उनका पैसा उनके पास उतना ही देर तक टिकेगा जितने देर तक वह ऐसे कार्य कर रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, अंत में उनके पास कुछ नहीं बचेगा। लेकिन हम आप सभी को बता दें कि आपको जो ये धन मिलने वाले हैं अगले 48 घंटों में, ये धन बिल्कुल ही आपके पास टिकेंगे। जी हाँ दोस्तों, आप सभी को बता दें कि आपने पिछले कई समय से पैसे को इकट्ठा भी किए हैं, लेकिन दोस्तों पैसे आपके पास टिक नहीं पाता था, किसी न किसी विघ्न बाधाएं में आपके पैसे खर्च हो ही जाते थे। लेकिन दोस्तों हम आप सभी को बता दें कि साक्षात भगवान भोलेनाथ के आशीर्वाद से अब आप सभी के जीवनकाल में बड़ा ही चमत्कार होगा। अगले 48 घंटों के अंदर खुद आप अपनी आंखों से देख पाएंगे कि आपके जीवनकाल से जो भी समस्याएं हैं, जो भी रोग विघ्न बाधाएं हैं, वे सारे धीरे धीरे खत्म होने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, और जो भी आपके जीवनकाल में विपताएं हैं, वे सभी धीरे धीरे समाप्त हो जाएंगे और भगवान भोलेनाथ के आशीर्वाद से आप सभी का जीवन बिल्कुल ही सुखी संपन्न होने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, आप सभी को बता दें कि अगले 48 घंटों के अंदर आप सभी के जीवनकाल में धन की आवक बढ़ने वाली है। अगर आप कार्य क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं तो यश में आपको दुगनी लाभ मिलने वाला है। अगर आप नौकरी की तलाश कर रहे हैं तो दोस्तों हम आप सभी को बता दें कि आपको मन चाहा रोजगार की भी प्राप्ति हो सकती है। जो ग्रहों की स्थिति बनी है, यश में आपको धन की आवक के साथ नए रोजगार में भी हाथ लगाने का मौका प्राप्त होगा। लेकिन दोस्तों हम आप सभी को बता दें कि अगले 48 घंटों के अंदर आपको बहुत बड़े बड़े मौके सामने आने वाले हैं। इनमें से कोई भी मौका आपको छोड़ना बिल्कुल भी नहीं है। कोई भी मौका आपको छोटा कहकर अगर आप छोड़ देंगे तो दोस्तों भविष्य में जाकर आप बहुत ही ज़्यादा पछताने वाले हैं, क्योंकि ईश्वर का दिया हुआ कोई भी चीज़ छोटा नहीं होता है। जी हाँ दोस्तों, अगला 48 घंटों का समय धन की देवी माता लक्ष्मी का समय है। यश में धन की देवी माता लक्ष्मी आपके ऊपर काफ़ी ज़्यादा प्रसन्न रहने वाले हैं और यश में धन की बारिश आप सभी के जीवनकाल में होने वाला है। जी हाँ दोस्तों, हम आप सभी को बता दें कि अगले 48 घंटों के अंदर आप सभी के घर और परिवार में खुशियों का माहौल रहने वाले हैं। जो बड़े शुभ समाचार आप सभी को प्राप्त होने वाले हैं कि दोस्तों घर परिवार में खुशियों का कोई ठिकाना नहीं रहेगा। जी हाँ दोस्तों, अगले 48 घंटों का समय दोस्तों मानो आप सभी का जीवन बिल्कुल स्वर्ग जैसा होने वाला है। ऐसा समय होगा जो आपके सपने हैं, जो आपकी इच्छाएं हैं, वे सारी चीज़ें सच होने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, खासकर आप सभी को बता दें कि आपकी ज़िंदगी में कोई ऐसे नया व्यक्ति आने वाला है जो आपको कार्य को लेकर बहुत ज़्यादा प्रेरित करेगा। जी हाँ दोस्तों, जो कार्य आपने कभी किए भी नहीं हैं, दोस्तों उन सारे कार्यों के बारे में आपको बताने वाले हैं। वास्तव में दोस्तों ये ईश्वर का ही भेजा हुआ लोग होगा, ईश्वर का ही भेजा हुआ बंदे होंगे, जो कि दोस्तों आपको मदद करने वाले हैं, आपको नया राह दिखाने वाले हैं। बस आपको
किसी भी ऐसे अनजान व्यक्ति को बिल्कुल भी गलत नहीं सोचना है, बिल्कुल भी उनके बारे में आपको बुरा भला नहीं सोचना है। जी हाँ दोस्तों, ये इंसान आपको नेक राह पर लेकर जाने वाले हैं। बस आपको ईश्वर पर यकीन करके आगे बढ़ना है और जो भी कार्य आपके हाथों में आ रहे हैं उन्हें आपको लेना है। जी हाँ दोस्तों, हम आप सभी को बता दें कि अगले 48 घंटों का जो समय होगा आपकी निजी और कामकाजी ज़िंदगी में कुछ बदलाव आने वाले हैं, जिनमें आप असुरक्षित और चिंतित भी महसूस थोड़ा सा करेंगे। लेकिन दोस्तों, इसे अपने ऊपर हावी ना होने दें, क्योंकि यश में धन की देवी माता लक्ष्मी का आशीर्वाद आप सभी के ऊपर है। तो दोस्तों, आप सभी को अपने निकाल में संतुलन बनाकर रखना है। जी हाँ दोस्तों, कोई आपसे बदला लेने की भी कोशिश में है, जी हाँ दोस्तों, इसे आपको संभलना होगा। जी हाँ दोस्तों, आप सभी को बता दें कि अगले 48 घंटों के अंदर शत्रु थोड़ा सा आपके जीवन को खराब कर सकते हैं। बस आपको अपने शत्रु से बचना है, खासकर उन सभी शत्रु से बचना है जो आपके मुंह पर अच्छी बोलते हैं और पीठ पीछे आपके लिए बुराई वाला कार्य करते हैं। अगर आप ऐसे लोगों की पहचान जानते हैं तो दोस्तों, ऐसे लोगों से आपको संभल कर रहना होगा। बस आपको संकेत के तौर पर इतना बताते हैं कि इंसान आपके सगे संबंधी है, ये आपसे ज़्यादा दूर के नहीं, आपके आसपास के ही है, जो कि आपसे बहुत ही ज़्यादा जलते हैं। आपको मुंह पर तो नहीं बोलते लेकिन पीठ पीछे आपकी बहुत सारी बुराइयां ये करते हैं, ताकि आपका जीवन नष्ट हो, समाज में आपका इज्जत खराब हो जाए। बहुत सारे ऐसे षड्यंत्र करते हैं जिनसे आपको काफ़ी ज़्यादा नुकसान भी हुआ है, और दोस्तों हमेशा ये आपके बारे में नुकसान के करने के ही बारे में सोचते हैं। जी दोस्तों, इसलिए अगले 48 घंटों के अंदर आपको इस व्यक्ति से थोड़ा सा संभल कर रहने की आवश्यकता पड़ने वाली है। जी हाँ दोस्तों, इसके उपरांत हम आप सभी को बता दें कि आज का जो दिन होगा, कोई नई चीज़ शुरुआत करने के लिए बहुत ही अच्छा समय है। अगर आप नौकरी, करियर या फिर बॉस बदलने या कोई नया संबंध शुरू करने की योजना बना रहे हैं तो जो समय होगा बिल्कुल ही सही समय होगा। अगर आप कोई जोखिम भरा कार्य कर रहे हैं तो दोस्तों, आप सभी को बता दें कि यश में आपको सावधान हो जाना है, क्यों दोस्तों, यश में आपको इनमें हानि भी हो सकता है, इसलिए रिस्क लेने के चीज़ों से आप बचें। इसके उपरांत ही हम आप सभी को बता दें कि यश में बहुत ही महत्वपूर्ण समय है, आप अपने संबंध को निष्पक्ष होकर जानते हैं। जी हाँ दोस्तों, यश में क्या आप इसे अगले स्तर पर ले जाना चाहते हैं, इनके लिए आप तैयार हैं। यश में आपको अपने पार्टनर के बजाय अपनी भावनाओं पर ध्यान देना चाहिए और उस उलझन को दूर कर लेना चाहिए जो आपको सामान्य रूप से कई बार महसूस होती है। जी दोस्तों, अब आपको फैसला कर लेना चाहिए कि आप अपने संबंध को किस दिशा में ले जाना चाहते हैं, क्योंकि दोस्तों समय बहुत ही अनुकूल है और जो भी आप निर्णय लेने वाले हैं वे आपके लिए बहुत ही अच्छा निर्णय होगा। आपकी वित्तीय स्थिति में लगातार वृद्धि दिख रही है और दोस्तों आगे भी इसमें सुधार की संभावना है। जी हाँ दोस्तों, परंतु आप ऐसा महसूस करेंगे कि आपके नियंत्रण से परे सभी स्थितियाँ हैं। जी हाँ दोस्तों, उत्पादकता और काम की क्षमता को प्रभावित भी कर रही है, ऐसे ख्याल आप सभी के मन में आ सकती है। लेकिन हम आप सभी को बता दें कि आपका डर निराधार है, यहाँ तक कि आपके वरिष्ठ अधिकारी इस चीज़ को समझते हैं और आपको आपके हालातों के साथ हमदर्दी भी रखते हैं। जी हाँ दोस्तों, हम आप सभी को बता दें कि आपके काम में समर्थन भी वे करेंगे, सहयोगी भी आपका सहयोग करने वाले हैं, खासकर दोस्तों वे लोग जिनको आपने सहयोग किए हैं। जी दोस्तों, अगले 48 घंटों का जो आपके लिए समय होगा दोस्तों, बहुत ही समय होगा। आप सभी के पारिवारिक जीवन में यश में खुशियों की एक नई उछाल आने वाली है। पिछले कई समय से आप सभी के पारिवारिक माहौल में थोड़े से जो है रिश्ते नाते खराब हैं, थोड़ा सा अनबन चल रहा था, लेकिन दोस्तों अगले 48 घंटों के अंदर आपसी मेल मिलाप से, आपसी बात से सारी समस्याओं का समाधान मिलेगा, जिनसे दोस्तों आप सभी के जीवन काल में एक नए जीवन की शुरुआत होगी। आप सभी के जीवन में ऐसी स्थिति आने वाली है जब आपको सीधे तुरंत और अति सक्रिय रहकर फैसले लेने होंगे। यह स्थिति देखने में बहुत ही मुश्किल लग सकती है, परंतु आप इसे आसानी से संभाल पाएंगे। जी हाँ दोस्तों, अगले 48 घंटों का समय आपको बस दृढ़तापूर्वक डटे रहना है। लेकिन चिंता ना करें, एक बार जब यह समस्या खत्म हो जाएगी तो लोग इसे सुलझाने में आपकी भूमिका की भी प्रशंसा करने वाले हैं, यूँ कहें आपकी तारीफें जमकर करने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, आप सभी को बता दें कि आपके मन में आएगा कि मैं अपना
खाना पूरी तरह बदल दूं, यहाँ तक कि आप पूरी तरह शाकाहारी होने का भी निर्णय ले सकते हैं, या फिर आप ताज़ा फलों, ताज़ा सब्जियों या फिर मछली जैसे सामान्य घर में बने खाना खाना शुरू कर सकते हैं, या फिर इन्हें खाने के लिए पसंद कर सकते हैं। जी दोस्तों, आप मसालेदार या फिर भारी खाना नहीं खाएंगे, आप हल्का फुल्का और साधारण खाना खाना पसंद करेंगे जिसमें आपका काफ़ी ऊर्जा आएगा। जी दोस्तों, का जिनसे आपकी जो ऊर्जा है उनका लेवल काफ़ी ऊपर जाने वाला है, आप काफ़ी युवा भी दिखने वाले हैं। अगले 48 घंटों का समय बहुत ही महत्वपूर्ण समय है। यशमी अपने दिमाग में अब प्यार रोमांस का जादू छाने वाला है। जी हाँ दोस्तों, और अगर आप अकेले हैं तो अब आपको गंभीरता से कोई भी रोमांटिक पार्टनर ढूंढना शुरू कर देना चाहिए। अगर आप पहले से ही किसी के साथ हैं तो यह सही समय है कि आप इस संबंध को अगले स्तर तक ले जाएं, या फिर इसे खत्म करने के बारे में सोचें। इनमें से किसी भी स्थिति में संबंध के मामले में आज का जो दिन है, दोस्तों बदलावों की संभावना दिख रही है, और जो भी बदलाव होगा वे बहुत ही अच्छे होंगे। दोस्तों, आप सभी को बता दें कि अवलोकन और विश्लेषण की आपकी शक्ति यश में अपने चरम सीमा पर होगी। अतः अगर आप किसी भी नौकरी में हैं और अगर इन कौशल की आवश्यकता है तो ये समय सफलता आपके कदम चूमेगी। वैज्ञानिकों, जांचकर्ताओं और शोधकर्ताओं के लिए ये जो समय है बहुत ही उपयोगी समय होगा। जी हाँ दोस्तों, ये समय रचनात्मक और निष्कपट तरीके से कार्यस्थल पर समस्याओं का हल खोजेंगे जो कि आपके कार्यालय में सहारा जाएगा। जी हाँ दोस्तों, आपका नाम आपके कार्यालय में सबसे ऊंचा होगा। वह दोस्तों से के साथ बात करते हैं कि अगले 48 घंटों का समय जो ग्रहों की शुभ स्थिति है इनके अनुसार कौन से उपाय आपको करना चाहिए जो कि आपके कार्यों में दुगुनी लाभ दे, जो कि आपके घर परिवार में वृद्धि दे और सुख समृद्धि आपके घर में बसे। जी हाँ दोस्तों, इनके लिए दोस्तों सबसे पहला और जो खास उपाय है वह यह है, तवे को हमेशा अपने रसोई घर में लिटा कर रखना चाहिए। ऐसा माना जाता है कि तवे को खड़ा करके रखने से घर में लड़ाई होती है। इसके अलावा इस बात का भी ध्यान रखें कि तवे को कभी भी गैस पर खाली नहीं छोड़ना चाहिए। कुछ लोगों की आदत होती है कि वह रोटी सेकने के बाद खाली तवा गैस पर ही छोड़ देते हैं। ऐसा करना बहुत ही बुरा संकेत है, इनसे घर में नकारात्मक शक्तियाँ बढ़ जाती है जिनके कारण घर में बहुत ही बुरा संकेत मिलते हैं, बहुत ही बुरे कार्य होते हैं, बनते बनते कार्य बिगड़ने लगते हैं और दोस्तों धन की समस्या इनसे बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाती है। तो यश में आपको इसका ध्यान रखना है। इसके उपरांत ही हम आप सभी को बता दें कि स्त्रियों को देवी का स्वरूप माना गया है। घर की सभी स्त्रियों एवं किसी भी स्त्री को पूर्ण सम्मान दें। शास्त्रों में लिखा है कि जिस घर में स्त्रियों को प्रसन्न रखा जाता है वहाँ पर सौभाग्य का वास होता है और हमेशा रिद्धि सिद्धि उस घर में वास करती है। जी हाँ दोस्तों, इसलिए देवी का वास स्त्रियों में है तो आपको इस बात का ध्यान रखना है कि घर की जो भी स्त्री हो, चाहे आपकी माँ हो, बहन हो, बेटी हो या फिर समाज में कहीं भी जाती हैं, अगर वह स्त्री है तो दोस्तों उनका आपको अपमान भूल कर भी नहीं करना है। अगर आप उनका सम्मान नहीं कर सकते हैं तो दोस्तों अपमान आपको भूल कर भी नहीं करना है। जी हाँ दोस्तों, इसके उपरांत दोस्तों हम आप सभी को बता दें कि यश में आप सभी के जीवनकाल में जो शत्रु है वे बहुत ही गुप्त तरीके से आपको नुकसान पहुंचा रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, इनसे आपको बचने के लिए कौन से उपायों को करना चाहिए जो कि अगले 48 घंटों के लिए बहुत ही कारगर साबित होंगे। जी दोस्तों, आप सभी को बता दें कि अगर आपके पीछे शत्रु पड़ा हो, किसी को भी बिना कुछ कारण से परेशान कर रहा हो तो दोस्तों हनुमान जी की शरण में जाएं। नित्य हनुमान जी को गुड़ या फिर बूंदी का भोग लगाएं। हनुमान जी को लाल गुलाब चढ़ाकर हनुमान चालीसा बजरंग बाण का पाठ करें और प्रतिदिन कच्ची धानी के तेल के दीपक लौंग डालकर हनुमान जी की आरती करें। और दोस्तों अपने शत्रु का भी नाम आपको उसमें लेना है जब आप हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं, इस बात का ध्यान रखें। और दोस्तों उनसे आपका जो शत्रु है वे परास्त होंगे, आपके सामने घुटने टेक देंगे। जी हाँ दोस्तों, आप शिव को बता दें कि संकट मोचन की कृपा आपके ऊपर हमेशा रहेगी, जिनसे आपके जो भी दुश्मन है वे आपसे दूर भागेंगे। आप शिव को बता दें कि मनोबल इनसे बढ़ेगा, जो भी जातक ये कार्य करेंगे उनका जो जीवन होगा बिल्कुल ही निर्भय होगा, निडर होगा,
नए और शक्तिशाली मित्र भी इनसे बनते हैं। शत्रु जो भी आपको कुछ करने की चाह रखते हुए आपको कुछ बिगाड़ भी नहीं पाएगा और वो बिल्कुल ही शांत हो जाएगा। तो दोस्तों ये जो उपाय है बहुत ही महत्वपूर्ण उपाय है, इन्हें आप अवश्य कीजिएगा। और दोस्तों के लिए 48 घंटों का समय तो बहुत ही खास समय है। यशमी जो शिव नाम का शिवयोग का निर्माण है ये आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो यशमी आपको इनका उपाय अवश्य करना चाहिए। इसके उपरांत दोस्तों हम आप शिव को बता दें कि आप शिव के जुनकाल में पेशों की थोड़ा समस्या बड़ी है। अगर आपने कर्ज लिए हैं तो यशमी आपको एक महत्वपूर्ण उपाय करना है। जी हाँ दोस्तों, हम आप शिव को बता दें कि अगले 48 घंटों के अंदर आपको गेहूं के 1.25 किलो आटा में पिसवाना है और उनमें गुड़ मिलाकर उसके गुलगुले या फिर पुए बनाना है। शाम के समय हनुमान जी को चमेली के तेल में सिंदूर घोलकर अभिषेक करने से, और दोस्तों इनके उपरांत आपको घी का दीपक भी जलाना है, ऐसा करने से हनुमान जी की असीम कृपा प्राप्त होगी और जो भी आपकी कर्जे हुए समाप्त होंगे। साथ ही साथ वश में आप वहीं पर बैठकर हनुमान चालीसा का भी 7 बार पाठ करें। तत्पश्चात हनुमान जी को इन गुलगुले को या फिर पुए को भोग लगाएं और दोस्तों गरीब और फिर जरूरतमंद व्यक्तियों को बांट दें, ऐसा आपको 11 मंगलवार तक करना है। ऋण से आपको छुटकारा मिलना शुरू हो जाएगा और दोस्तों खासकर आप अगले 48 घंटों में इन्हें शुरू कर सकते हैं, क्योंकि दोस्तों अगले 48 घंटों का समय बेहद ही महत्वपूर्ण समय है। जी हाँ दोस्तों, तो दोस्तों ये थी कुछ महत्वपूर्ण बातें जिनसे आप अपने जुनकाल में जो भी कष्ट है जो भी समस्या उन्हें दूर कर सकते हैं। तो दोस्तों फिर मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए आप शिविर का धन्यवाद। आप शिविर का दिन शुभ हो, मंगलमय हो।